मैं फ्रेंड्स स्वागत है आपका टेक्ट्यूबिलिटी में और मैं हूं आपका होस्ट नईम खान। तो फ्रेंड्स जो आज है जो मैं आप लोगों के लिए जो ट्रिक लेके आया हूं, मैं लेके आया हूं एमपीएल का जो न्यू गेम आया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा एमपीएल में एक नया गेम आया है जो फिलहाल अभी तक जो है बैटल मोड पे ही है। तो मैं एक बार अपने जो नेट ऑन करके जो है मैं गेम के बारे में आपको दिखा देता हूँ। जो नया गेम आया है जो बैटल मोड में आया है सिर्फ वो है पूल वाला गेम। और ये जो पूल खेल के जो है गेम, बहुत से बंदे पूल खेलते हैं जैसे एट बॉल पूल हो गया, बहुत से बंदों ने इसको गेम को खेला है, काफी अच्छा खेला है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसे ही रिलेटेड जो है अर्निंग एप्स भी बनाई थी कि जिसमें जो है आप पूल वाला गेम जो है खेल के अर्निंग कर सकते हैं। स्टिक पूल नाम की जो है एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया था। तो ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ पूल वाला है, ये बैटल मोड के अंदर आया है और यहाँ पे जो सिंपल इसका नाम है ये सिर्फ पूल नाम का गेम है। तो आज मैं इसकी एक ट्रिक लाया हूँ जिससे कि आप हर बार जीतोगे ये ट्रिक यूज करके, और बहुत ही इजी ट्रिक है। और आपसे मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्रिक यूज करने के बाद में आपको ये गेम बहुत ही ज्यादा इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि इसमें मेन जो दिक्कत आती है मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या दिक्कत आती है और आपको वो दिक्कत कैसे दूर करनी है, और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, पूल गाइडलाइन टूल नाम से एप्लीकेशन है। आपको इसको डाउनलोड करने के बाद में सिंपली स्टार्ट करना है, ऐड आएगा तो आपको यहाँ पे क्लोज करना है और परमिशन मांगेगा तो परमिशन आपको ऑन कर देना है। तो कुछ ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ये बॉक्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपके सामने जब ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप लोगों के सामने बता दूं कैसा कुछ इसका जो है इंटरफेस आएगा। मैं एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ और मैं वापस से है जो आप इस ऐप को क्लोज करके आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। आपके सामने जो है सेम वैसा ही इंटरफेस आएगा, उससे अलावा इंटरफेस नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग भी जो है मेरी तरह जो सेम सेटिंग कर ले ताकि आप लोगों को इश्यू नहीं होगा। जब आप इस गेम को ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का जो है एप्लीकेशन खुलेगा। आपको क्या करना होगा, फिर इसको ओपन करने के बाद में जो है अपना एमपीएल प्रो खोलना होगा। एमपीएल प्रो खोलने के बाद में जो है आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जैसे भी एमपीएल प्रो में खुल रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको सेट करना होगा। अब अगर आप एक बार इसको सेट कर लोगे तो आपके यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जो है पूल वाला एक और जो है फ्री वाला गेम आपको प्ले करना है, और फ्री वाले जो है टोकन वाला गेम प्ले करके आपको जो है सिंपली इसको सेट कर लेना है, क्योंकि बाद वाले में टाइमर रहता है तो वो टाइमर के दौरान सेट नहीं होगा, इसलिए आप इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे जो है सेट हो रखा आया है, आप लोगों का ये कुछ ऐसा कुछ आएगा ऐसा किया हुआ। तो आपको सेट कैसे करना है अब मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो यहाँ पे जो है तीन चीजें दी हैं इन्होंने, एक तो मेन ये रेड वाला दिया है, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट दिया हुआ है, एक यहाँ पे जो है ब्लैक डॉट है और यहाँ पे जो है एट बना हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है मेरा गेम लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो लोडिंग होने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने एक कंटेस्टेंट भी आ गया है। अब जो है कंटेस्टेंट आने के बाद में मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इसकी जो है वॉइस बंद कर देता हूं एक बार के लिए। तो यहाँ पे जो हमने वॉइस बंद कर दी, अब जो हमारा गेम है चालू होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप वीडियो पूरी देखना जिससे कि आपको सेटिंग समझ में आ जाए कैसे करना है। तो अब जैसे ये स्टार्ट हो गया तो कुछ ऐसा कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे इसको लेके ऐसे लंबा लेके यहाँ पे जो है इस वाले डॉट से मिलाना है, मतलब ये जो सीधी लाइन है इसको इस खांचे से मिलाना है, और जो आपको यहाँ से एक बार बीच में कर लेना है, और इसके बाद में थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे करके इस लाइन को आपको इसमें मिलाना है और इस लाइन को यहाँ पे इसमें। तो आप इसको भी ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा दाएं बाएं करके आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो, जैसे मैं दाएं बाएं करके अभी जो है मैंने सेट कर लिया, और इसको बीच वाले को आप जो है इसको यहाँ पे ऐसे रख के सेट कर सकते हो। इसको आप एकदम ऐसे परफेक्टली सेट कर लो, जैसे अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरी बारी आ गई है, तो यहाँ पे जो है मैं एक बार जो है इस पे ले जाता हूँ। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको फायदा बताता हूँ एक बार के लिए, मैं आगे आपको गेम प्ले भी बताऊंगा पूरा और जीत के भी बताऊंगा कैसे जीतना है। अब इसका फायदा ये है कि कभी कभार जैसे होता है कि अपनी बॉल यहाँ पे पड़ी है, अपने को इसको होल में डालना तो एकदम सीधा लग नहीं पाता, तो आपको इसको यहाँ पे उठा के अगर आप इस पे लाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन बन गई है। अब बीच में ग्रिड लाइन बोट आ रही है तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे आपको एट पे क्लिक करना होगा और ग्रिड लाइन को हटाना होगा, और इसके बाद में यहाँ पे सेव कर देना होगा। अब यहाँ पे आप सेव करने के बाद में इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, यहाँ पे रेड बटन पे क्लोज करने के बाद में यहाँ पे ग्रीन लाइन हट गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम जो मेरे पास में लाइन टू लाइन बन गई। अगर जैसे मेरे को ये बॉल को अंदर डालना है ये ब्लू वाली को, तो मैं इसको यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन पे रख दूंगा। तो अब जो से मेरा जो एंगल बनेगा मेरे को यहाँ से मैं इसको जो है सेट कर लूंगा, और एंगल बनने के बाद में है जो मैं उसको आराम से जो है इजीली जो है इसको होल में डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो अब मैं वापस को ऐसे करके यहाँ पे आप जो है अपनी जे मर्जी से जो मर्जी हो उसे एंगल बना सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक बार इसको यहाँ पे रिसेट कर देना, और रिसेट करके यहाँ से जो है फिर से जो है इसको कर देना सेट। तो यहाँ से जो है मैं एक बार रिसेट करके यहाँ पे जो मैंने इसकी सेटिंग है, जैसे अभी मैं इसको रिसेट कर दिया हूँ, और रिसेट करने के बाद में अब जो मैं है इसकी सेटिंग है एक बार के लिए मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है मेरा एकदम परफेक्ट सेट है, जो भी ये सारे होल है होल टू होल एकदम आपस में एकदम अच्छा सा कनेक्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इसको ऐसे वैसे करके यहाँ पे हिला के अपन जो है पूरा सेट कर सकते हैं। तो अब एकदम मेरा बिल्कुल जो है गेम एकदम परफेक्ट है जो सेट हो चुका है।
अब यहाँ पे परफेक्ट सेट होने के बाद में बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है उसको हटा देना है और इसको सेव कर देना है। तो अब यहाँ पे जो है बारी अपनी, जैसे ही बारी आएगी अपनी तो यहाँ पे जो अपन गेम स्टार्ट कर देंगे खेलना। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी सेटिंग है, ये सेटिंग करके आप हर बार जीतोगे क्योंकि अब आपको कोई इशू नहीं होगा। जैसे मान लो अगर ये बॉल निकालना हो तो आप इसको इस बॉल पे ले जाके यहाँ पे देख सकते हैं एंगल, चाहे तो आप इस बॉल पे इसको रख के ऐसे यहाँ पे जो सीधा एंगल देख सकते हैं। जैसे अभी ये बंदा है, मैं आपको इसी का ही एंगल दिखा देता हूँ नॉर्मली यहाँ पर है, जो मैं आपको पूरा जो है गेम प्ले एक बार दिखा देता हूँ। और जो पूरा गेम प्ले है इसमें मैं आपको जीत के दिखाऊंगा और अगले बंदे को एक भी जो है बॉल है वो जो होल में उसकी नहीं जाने दूंगा। और जो पूरा गेम है मैं आपको एकदम परफेक्ट है जो जीत के दिखाऊंगा। मैंने आपको इंस्टॉलेशन तो पूरा बता दिया कि कैसे कैसे इसको सेट करना है और कैसे इसको यूज करना है। अब आप देख सकते हैं मैं जो है लगातार है जो इसमें निकाल के दिखाऊंगा। और बीच बीच में जो है मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि पहले ही वीडियो 7 मिनट की हो चुकी है, इस वजह से मैं जो है उस अगले की बंदे की जो है बारी है वो कट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपको पूरा इसी बंदे के साथ में खेल के दिखाऊंगा। आप जो है पूरा नाम वगैरह एक बार कंफर्म देख लो ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए कि मैं अलग अलग बंदों के साथ में तो खेल के नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जो है अगले ने एक भी जो है बॉल नहीं निकाली है जबकि मैंने सारी बॉल है पोर्टेट कर दी है और मैंने जो है अच्छा खासा है जो है बॉल निकाल ली है सारी की सारी। आप देख सकते हैं अभी तक उसने एक भी नहीं निकाली है और मैं लगातार खेल रहा हूँ। आप जो है ये ट्रिक यूज करके जो है लगातार जो है पॉइंट बना सकते हैं, बहुत अच्छा। और अगर मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है शुरुआत में जो फ्री वाला खेले और बाद में जो है पैसे लगा के खेले, क्योंकि अगर आप लोगों का एक बार अगर हाथ बैठ गया फिर जो है आप लोग इसमें जो पैसे वाला लगा के खेलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आप इसमें रेगुलर जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे। और मैं आपको डेफिनेटली विन करके बताऊंगा और अगले बंदे को एक भी जो है बॉल पोर्ट नहीं करने दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले बंदे ने अभी तक एक भी जो है बॉल पोर्ट नहीं की और मैं लगातार है जो बॉल पे बॉल पोर्ट किए जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लगातार मैंने जो है सारी जो है बॉल निकाल ली है पोर्टेड करके। तो ऐसे करके जो है आप लोग भी इसमें खेल सकते हैं और जो बॉल है वो पोर्ट करके जो है जीत सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरी जो लास्ट वाली जो है ये ब्लैक वाली बॉल रही है और इसको भी मैंने जो पोर्ट कर दी और अगले बंदे ने एक भी बॉल है जो पोर्ट नहीं की। तो ऐसे करके आप जीत सकते हैं और अच्छे खासे जो है इससे अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही अर्निंग से रिलेटेड, हैक मोड से रिलेटेड या फिर जो और भी अदर मोड से रिलेटेड वीडियोज को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।